है एवरीवन आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 1.7 पॉइंट सेवन थी मैटिक रिचनेस ऑफ मृत्य सो सिग्निफिकेंटली मृत्य हैज़ नो गॉड्स एंड गॉडिज एज करेक्टर सो मृत्य में कोई भी गॉड या गॉडिज नहीं है एज अ करेक्टर अगर इस चीज़ को हम लोग काली दासा में देखें तो ये हु ब्रिंग ब्रिंग इन सबलाइम वर्च्यूज़ एंड क्वालिटीज़ इन एंड अदरवाइज सेक्युलर वर्ल्ड ऑफ इंडिक क्राइम एंड वर्स सो सबलाइम वर्च्यूज़ मतलब किसी चीज़ की तारीफ की जाए सब्लाइन का मतलब एंड वर्च्यू मीन्स गुड़ तो किसी की गुण की या फिर किसी की क्वालिटीज़ की, तारीव की तारीव की जाए अदरवाइज अपार्ट फ्राम देट सेक्यूलर सेक्यूलर मीनस ऐसा वर्ड जहाँ पे लाइक like, uh, uh, कोई भी लाइक like धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होती है सो सेक्यूलर वर्ल्ड ऑफ इंटीक इंटीक का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक किसी चीज़ कि मतलब किसी चीज़ में इतना उत्सुकता भर देना कि उसको आगे की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट आ जाए लाइक like कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ एंड क्राइम एंड वर्स वर्स मीन्स बुरा इन दिस रिगार्ड मिच एक आर्टिकल स्टैंड्स आउट इन द ओल्ड क्लासिक टेक्स्ट गिविंग अकाउंट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द होली एंड अनहोली द रिस्पलेंडेंट एंड मर्डरन सो रिस्पलेंडेंट का मतलब हम कह सकते हैं कुछ चमकता हुआ या चमकीला और मर्डरेंट मीन्स ऑर्डिनरी एंड होली मीन्स अगर हम कहें तो होली का मतलब हो सकता है पवित्र या फिर कुछ गॉड से रिलेटेड कनेक्टेड विद गॉड या रिलीजन से कनेक्टेड एंड अन होली मीन्स जो लॉ uh, या फिर लाइक uh, like, जो रिलीजन को फॉलो नहीं करता वो उसके बाद लाइक like, तो हाँ इस चीज़ को हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो मृत्यु काटिका है वो स्टैंड आउट करता है एक ओल्ड क्लासिकल टेक्स्ट जिसके अकाउंट में लाइक एक्सचेंज ऑफ होली और अन होली के बीच में ऐसा कुछ एक्सचेंज है एंड देर इज़ एक चमकता हुआ या फिर एक ऑर्डिनरी सा चीज़ दिखाया गया है हियर वन वन इज़ फेस टू फेस विद द फाइट बिटवीन गॉड एंड एविल सॉरी गुड एंड एविल सो यहाँ पे फेस टू फेस फाइट हो रहा है एक अच्छा और बुरा के बीच में नोबल एंड इग्नो इग्नोरेबल नोबल और इग्नोरेबल के बीच एंड गुड लाइक एंड डेविश मतलब एक अच मतलब गॉड लाइक मीन्स एक भगवान की तरह और एक डेविश मीन्स एक दानव की तरह uh, ऐसा कह सकते हैं या फिर कुछ एक लाइक बुरा हो बुरा बुरा, बुरा इंसान कोई लाइक या कोई असुर टाइप का ओके एज वी बिगेन रीडिंग द प्ले वी कन्फ्रंट सूत्रधार एंड नटी सो जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है हम लोगों को दिखाया जाता है सूत्रधार और नटी नटी मीन सूत्रधार की वाइफ सो हस्बैंड एंड वाइफ एंगेज इन स्लाइटली टीजिंग बैंटर ओके सो टीजिंग मीन्स होता है छेड़छाड़ और बेंटर मीन्स होता है मजाक सो ऐसा कुछ मजाक सा ऐसा कुछ छेड़छाड़ करने लगते हैं मतलब बातें करने लगते हैं एक दूसरे से कुछ एक इंजॉयमेंट वाला चीज़ लाने के लिए दे आर इन अ प्लेफुल मूड वो बहुत प्लेफुल मूड में होते हैं सी द इंट्रोडक्शन ऑफ सीरियसनेस दैट कम्युनिकेट्स नॉट जस्ट थ्रू वर्ड्स बट ऑल्सो थ्रू द विजुअल्स ऑल फैक्ट्री एंड टेस्ट रिलेटेड सेंसेस तो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें जो भी लाइक एक चीज़ है ना जहाँ पे आप लोगों को एंजॉयमेंट मिल जाएगा लाइक बाय जस्ट सीइंग यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं टूअर्ड्स द वर्ड्स एंड जो एक विजुअल दे देता है ऑल फैक्ट्री मीन्स लाइक कुछ एक स्मेल से रिलेटेड लाइक like कुछ एक uh, मतलब कुछ एक स्मेल दिला देता है या टेस्ट रिलेटेड कुछ टेस्ट दिला देता है या फिर कोई सेंसेस लाइक वन कैन सी स्मेल एंड टेस्ट एंड एंजॉय थ्रू अ पार्ट ऑफ द फेयर ऑफ फेयर द प्ले प्रजेंट सो यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे जो एन्जॉयमेंट वगैरह जो भी ये प्ले प्रेजेंट कर रहा है वो सारी चीज़ें हम फील कर सकते हैं सूत्रधार नोटिस दैट देयर आर इन द हाउस ऑफ वेलकमिंग गेस्ट विद वेल कुकड फूड सो यहाँ पर जो सूत्रधार है वो लाइक like प्रजेंट करता है वेलकम करता है गेस्ट को बाई अ कुकड फूड मतलब खाना वगैरह के साथ वेन ही रीच इज़ होम वन डे दिस इज़ वॉट ही कंट्रेंस सो यहाँ पर जो जब वो एक दिन घर आता है तो वो ये सारी चीज़ें देखता है आमना सामना होता है उसका इन द ओन वर्ड्स इन हीज़ ओन वर्ड्स यहाँ पे उन वो बोलता है हेयर इज़ माई हेयर इज़ माई हाउस यहाँ पर बहुत अच्छी सिमिली यूज़ हुई है आप देख सकते हो हेयर इज माई हाउस आई शेल गो इन एंटरिंग एंड ऑब्जर्विंग देखते हुए हेअ हो uh, How is it that there is quite a development in our house? The passage is full of a long stream of rice water, and the floor, which is dark and grey because of the iron uh, uh, saucepan, uh, moved. Uh, uh, sorry, over it now, looking more charming like a, a digged digged up woman. So it's not charming like, like a digged up woman. And my hunger is anguishing, and uh, me and more. If I if it uh, were. greatly excited by this inviting aroma. so ये सारी चीज़ें वो बताते हैं कि मुझे भूख बढ़ जा रही है क्योंकि जो aroma जो है खाने का वो मुझे invite कर रही है One woman is pouring वुमेन इज़ पोरिंग अनगेस्ट वाइल अनदर इज़ व्रचिंग flowers. तो so, यहाँ पे हम लोग uh, पोडिंग का मतलब ये कह सकते हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या बहुत जल्दी जल्दी कोई काम कर रहा होता है उसको हम लोग कह सकते हैं एंड लाइक कुछ अर्जेंसी एंड यहाँ पे वेटिंग का मतलब हम कह सकते हैं कि कवर करना किसी चीज़ को आ, उसके बाद एट द सेम टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मिस द सिमिली सो यहाँ पे आ, हम सिमिली को मिस नहीं कर सकते सिमिली इन द सेंस कि लाइक किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करना या फिर लाइक कह सकते हैं ना कि कुछ लाइक एज वाइट एज द क्लाउड एंड ऐसा कुछ किसी चीज़ से मतलब इतना गोरा जैसे कि मतलब इतना सफ़ेद जैसे कि क्लाउड है ऐसा मतलब किसी चीज़ से ऐसा तुलना वगैरह करते हैं ना वैसा द कंप्रिहेंशन बिटवीन द होम एंड अप वुमेन तो अपना लाइक लाइकिजन सॉरी कंपेरिजन करता है अपने होम को एज अ अप वमेन क्योंकि वो सुंदर लग रही थी सुंदर लग रहा था घर दैन वमेन रिलेशनशिप विद द व्यूअर विल सी एज द प्ले प्रोसीड हैज़ सो मैनी शेड्स ऑफ पेन सो यहाँ पे यहाँ पे जो कुछ भी लाइक एक मैन वोमेन रिलेशनशिप दिखाया गया है विल सी एज द प्ले प्रोसीड तो हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्ले प्रोसीड होता जाएगा हीज़ सो मेनी शेड्स ऑफ पेन बहुत सारे शेड्स ऑफ पेन है लॉन्गिंग है और प्लेजर है सिंग दिस सूत्र दार वंडर्स दैट द ओकेजन माइट बी एंड इफ़ ही इज़ दोलि बेनिफिक्ट्री ऑफ द बॉन्डी सो यहाँ पर जो सूत्रधार है वो हॉन्डर करता है कि लाइक like, जो भी ओकेशन है लाइक like, उसके लिए जो भी uh, मतलब बॉन्डी uh, मीन्स uh, कुछ भी इनाम मिलेगा मतलब कुछ भी लाइक like, उपहार मिलेगा जो भी इनाम वगैरह मिलेगा तो वो सिर्फ उसी का होगा लाइक like, वो सोल बेनिफिशरी मतलब वो मतलब अकेले उस चीज़ को ले लेगा मैन ही इनक्वास अबाउट इट टू हिज वाइफ तो जब वो ये चीज़ अपनी वाइफ को बताता है शी गिव्स हिम अ हाफ बेग्ड आंसर मतलब एक आधा बेग्ड आंसर देती है लाइक like, uh, मतलब हाँ भी नहीं नहीं भी नहीं मतलब बीच बीच, बीच वाला आंसर देती है दैट कैन बी टर्न बोथ टूअर्ड्स द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव सो वो मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है लाइक like, दोनों के बीचों बीच वाला आंसर देती है इंड डिट नडी डिसअपॉइंट्स विद वन आंसर एंड मेक्स हिम गेट होप फुल विद फॉलोइंग नटी so, जो भी आंसर देती है उसकी वजह वो डिसंटेड सा एंड मेक्स इम होपफुल फॉर फॉलोइंग सो वो लाइक उसको होपफुल बना देती है so, कि दोनों में से एक को फॉलो करें इन द कॉमिक मोड दिस इन द कॉमिक मोड द काइंड ऑफ एम्बिकटी कैन एज वेल प्रोड्यूस मोर देन टिकल सॉरी टिकल बिटवीन हजबैंड एंड वाइफ सो यहाँ पे हम लोग एक कॉमिक मोड में देख सकते हैं एम्बिकटी एम का मतलब हम कह सकते हैं मोर देन वन वे लाइक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं लाइक like, एक चीज़ हम लोग जैसे दो दो टाइप से समझ जाते हैं ना कि लाइक like, मतलब समझ जाओ लाइक अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे लाइक एक से ज़्यादा चीज़ों से आप समझ रहे हो उस चीज़ को उसको कहेंगे एंड कैन एज वेल प्रोड्यूस मोर देन अ टिकल टिकल मीन्स गुदगुदाना बाई हस्बैंड एंड वाइफ सो ये चीज़ हम लोगों को स्टेज पे दिखाया जाता है कंसीडर द हस्बैंड गेटिंग एंग्री एंड हैप्पी बाय टर्न्स सो यहाँ पे जो हस्बैंड जो है वो एक बार गुस्सा हो जा रहा है उसके बाद वो खुश हो जा रहा है क्योंकि लाइक like, वो ऐसी मिक्सअप आंसर्स देती है दिस इज़ अ ट्विस्ट दैट विल सूट्स द थीम ऑफ द प्ले क्योंकि ये जो भी ट्विस्ट वगैरह है ये सारी चीज़ें जो थीम है प्ले की उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है एट द सेंटर ऑफ विच एज़ इट इज़ सजेस्टेड द फुलफ़िलमेंट ऑफ़ डिज़ायर सो यहाँ पे जो भी फुलफिलमेंट डिज़ायर का लाइक like, फुलफिलमेंट हो रहा है लाइक जैसे कि चारू दत्ता और वसंत सेना का होता है Uh, यहाँ पे डिज़ायर का कह सकते हैं कि लाइक like, कुछ इच्छा तो डिज़ायर uh, मतलब uh, जो भी वसंत सेना और चारू दत्ता की इच्छा होती है ना जो यंग प्रोटेगनिस्ट होते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द मृत्यु काटिका वी आर स्टक बाय टू थिंग्स सो हम लोग लाइक मृत्यु काटिका के बिगिनिंग में हम लोग दो चीज़ों से स्टक हो जाते हैं द फर्स्ट इन इज़ द मैनर इन विच पोइट्री इज डिपिक्टेड सो उस मैनर में जिस मैनर में वो पोइट्री डिपिक्ट हुआ है एंड द सेकेंड इज़ द ड्राफ्ट डेफ्यूज़ ऑफ द सेमिली और दूसरा जो है वो डेफ यूज़ ऑफ सेमिली डेफ इन देंस कि लाइक कुछ एक स्किलफुल या स्मार्ट वे ऑफ लाइक यूजिंग द सेमिली वगैरह वगैरह लाइक बहुत अच्छे से सिमिली को प्रजेंट किया है एंड द प्ले इन विच इज़ वेल क्राफ्टिड एट द लेवल ऑफ लैंग्वेज तो यहाँ पर जो भी लाइक प्ले है वो एक वेल क्राफ्टिड प्ले है लेवल ऑफ लैंग्वेज से टू एक्सप्लेनिंग द कॉम्प्लेक्स फेनोमिना थ्रू द मीनिंगफुल प्रोस गैप्स एंड सजेशन सो ये सारी चीज़ें जो भी फेनोमिना है कॉम्प्लेक्स फेनोमिना जहाँ पे मीनिंगफुल मीनिंगफुल प्रोज है गैप्स uh, और सजेशंस वगैरह है, दिमली इज़ अ डिवाइस टू ले बेयर द करेक्टर ऑफ ट्विस्टेड सिचुएशंस जो ये जो सिमिली वगैरह यूज़ किया गया है वो लाइक like एक ले बेयर ले मतलब uh, साफ साफ दिखा देना या फिर साफ साफ बता देना किसी कैरेक्टर को जो भी ट्विस्ट होने वाला है सिचुएशन में इट कम्स विथ वन ऑफ द अदर आइडियाज़ वेब्ड इन लेयर्स ऑफ एसोसिएशन सो ये जो जो भी है लाइक एक ये जो भी चीज़ आता है वो आइडियाज़ जो होते हैं वो रैप किए गए होते हैं लेयर बाई लेयर किसी भी एसोसिएशन से वी नोटिस दैट द सिमिली टेक्स द व्यू ऑफ ऑडियंस अवे फ्रॉम द गिवन इशू सो अभी जो भी गिवन इशू है लाइक जो भी मेन इशू है उससे मतलब ऑडियंस का थोड़ा सा व्यू को मतलब ये सिमिली वगैरह की वजह से थोड़ा सा हटाना लाइक like, हम ये चीज नोटिस कर सकते हैं एंड द पुट इट इन एन एंटायरली डिफरेंट मोड सो यहाँ पे एक अलग ही डिफरेंट सा मोड में लेके चले जाना ऑडियंस के माइंड को थ्रू द फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए वन ऑडियंस हैज सीन द लॉजिक अवे फ्रॉम द एग्जिटिंग डिटेल्स सो यहाँ पे जब ऑडियंस को पता चलेगा कि लाइक like, ये सारी चीज़ों की वजह मतलब पीछे क्या लॉजिक है द सेम इज़ बॉर्ड बैक टू द प्लेस कॉन्टेंस कॉन्टेक्स्ट कपल्ड विद द इनसाइड सो यहाँ पे वापस से हम लोगों को लाइक like, जो मेन टेस्ट है लाइक like, uh, जो मेन जो थीम है या फिर जो मेन uh, कह सकते हैं कि लाइक like, जो भी है लाइक मेन इनसाइट में वो लेके चले जाएंगे मीन वाई द ऑडियंस हैज बीन एक कंक्रीट रीजनिंग विद द हेल्प ऑफ विच द ऑर्डिनरी नॉट अनटाइड सो यहाँ पे वो सारी चीजें दिखाई जाएंगी एटोमेटिक आउट ऑफ द प्लेस शेप शार्प द इमेजिनेशन ऑफ द ऑडियंस एंड गिव्स दैम अ चांस टू यूज़ द क्रिएटिविटी सो यहाँ पर जो एक ड्रामेटिक आर्ट होगा जहाँ पे लाइक मतलब ऑडियंस की जो इमेजिनेशन है उसको काइंड ऑफ शार्प किया जाएगा एंड uh, uh, मतलब गिव देम अ चांस टू यूज़ इट क्रिएटिवली सो ये सारी चीज़ें जो है उनको मतलब हेल्प करेगा टू यूज़ इट क्रिएटिवली अपने माइंड को वो क्रिएटिवली यूज़ कर सकें द रिजल्ट इज़ प्लेजर सॉरी इमेंटिंग फ्रॉम द एग्जिटिंग सॉरी एक्साइटेड इमेजिनेशन ऑफ द ऑडियंस सो यहाँ पे सॉरीइटेड इमेजिनेशन ऑफ द ऑडियंस सो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था ना तो वो एक लाइक एक एक्साइटमेंट इमेजिनेशन है ऑडियंस का वी शेल कम बैक टू इट लेटेड इन द डिस्कशन सो हम लोग रिलेटेड मतलब बाद में आएँगे इस डिस्कशन में इन दस्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑल्सो सी द प्ले राइट मेक अ कंशियस डिसीजन टू यूज़ प्रोस एंड वर्स ऑल्टरनेटिव सॉरी

या yeah, ये सारी चीज़ें ऑल्टरनेटली और, और, यूज़ किया गया है आफ्टर दैट करेक्टर हैज़ ऑफ इन हीज़ और हर डायलॉग्स इन सिंपल प्रोज तो यहाँ पर जो करेक्टर्स है वो अपने डायलॉग्स बोलते हैं इन सिम्पल प्रोज मतलब सिंपल गद में वो अपना आंसर मतलब अपना डायलॉग बोलते हैं देयर कम्स टू मोमेंट वैंड कॉमेंट बिटवीन नेसेसरी एज इट ओपन्स अप द स्लोप ऑफ अप्रिसिएशन सो यहाँ पे एक मतलब कॉमेंट्स के लिए रुकते हैं लाइक like, uh, एक मोमेंट जो होता है वो अप्रिसिएशन के लिए होता है जो लाइक like जो ओपन किए जाते हैं लाइक क्लैप वगैरह सुनने के लिए ही रिकॉर्स इज टेकन टू वर्ड्स सो यहाँ पे रिकॉर्स जो है वो वापस से लाए जाते हैं अ श्लोका यूजुअली अ कापलेट सो एक श्लोक शुरू होता है द इज़ ऑफ लेवल ऑफ थॉट एंड मेक्स इट मीनिंगफुली अपी अपीलिंग सो अभी तक कहानी जो मेन कहानी है वो अभी शुरू नहीं हुआ है वो अभी लाइक uh, सब के अप्रिसिएशन के लिए वेट कर रहा है एंड प्लस यहाँ पे एक श्लोका सुनाया जाता है श्लोक सुनाया जाता है एक कॉपलेट सुनाया जाता है थ्रू द मेक्स द मीनिंगफुल अपीलिंग सो यहाँ पे एक मीनिंग अपीलिंग जनरेट करने के लिए दिस इज़ यूज बाय प्ले राइट एज अ वर्ड ऑफ विजडम सो यहाँ पे लाइक like, एक विजडम की तरह जो लाइक प्ले राइट होते हैं वो ऐसा चीज़ करते हैं लाइक like, हर एक प्ले के पहले एक टाइप का कुछ ऐसा दिखा देते हैं कि लाइक like, ऐसा लाइक like, कुछ कोई श्लोक के साथ शुरू करता है कोई किसी भगवान के कोई लाइक uh, like, किसी चीज़ के साथ शुरू करते हैं लाइक like, ऐसा ही होता है सो so, या yeah, ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे आ, एक सेकेंड ओके यूजली अ कापलेट सो कॉपलेट के साथ यहाँ पे शुरू होता है दिस इज़ यूज बाय प्ले राइट एज वर्ड ऑफ विजडम विजडम का हम लोग क्या कह सकते हैं बुद्धि वर्ड्स ऑफ बुद्धि देख लो इन द वर्ल्ड ऑफ एवरेज एक्सचेंज ऑफ व्यूज सो एक uh, ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे एवरेज एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ वगैरह चलता है देयर देयर सेइंग अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ पोटेशन दैट लाइट्स अप द ऑर्डिनरी कॉन्डक्ट ऑफ अ पर्सन कॉट इन अ लाइफ सिचुएशन सो इस टाइप का लाइक एक ऑर्डिनरी कॉन्डक्ट ऑफ पर्सन है एक ऑर्डिनरी बिजनेस मैन है एक ट्रेडमैन है एक ब्राह्मीन ट्रेडमैन है जो एक नॉर्मल सिचुएशन मतलब एक नॉर्मली इंसान um, है लाइक like एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान है और उसकी एक ऑर्डिनरी सी लाइफ है दिस इज़ द फर्स्ट फीचर वी नोट इन द प्लेस यहाँ पे uh, ये पहला फीचर जो हम लोगों ने प्ले में देखा द सेकेंड फेज ऑफ सॉरी द सेकेंड फेज ऑफ रिप्रजेंटेशन सॉरी ओके रिप्रेजेंटेशन दैट कैचेस आर आइज इन ऑफ सेलेक्टिंग एंड ई दैट टच एज सोशल लाइफ वाइटली सो यहाँ पे एक्चुअली एक और चीज़ जो एक फेसेट हम लोग का आता है बीच में वो है कि लाइक एक ऑर्डिनरी सा लाइफ हम लोगों को दिखाया गया है लाइक ऑर्डिनरी सा एक रिप्रेजेंट किया गया है एक मतलब हमारे आइज को कैच किया गया है बाय द सेलेक्टिंग टचिंग टाइप का एक सोशल लाइफ वाइटली सो एक सोशल लाइफ को दिखाया गया है जो हमें लाइक like, हम जिससे रिलेट कर सकते हैं कॉर्डिनरी इंसान रिलेट कर सकता है इन मेज़र काटिका वी कैन लुक एट अ पोइट्री दैट इज एट द कोर ऑफ द प्रोटेगनिस्ट चारू दत्ताज मेजरी सो so, यहाँ पे जो एक मृत्यु काटिका जो है वो एक पोइट्री है जो एक कोर को दिखाती है प्रोटेगिनिस्ट मतलब जो हीरो है आपका नायक है सो so, नायक कौन है चारू दत्ता so, है सो चारू दत्ता का मिजरी मिजरी मतलब कुछ कह सकते हैं ना दुख सॉरी मिजरी मतलब कोई कष्ट या दुख वगैरह ऐसा सो so, कष्ट कह सकते हैं जो चारू दत्ता का जो भी कष्ट वगैरह है वो चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है इट ब्रिंग्स टू द फोर हिडन एजेंडाज़ ऑफ द इकोनॉमिकली पावरफुल आउट ऑफ यूज़ मीन्स फेयर एंड फॉल टू आर्ग्यूमेंट

जो चारू दत्ता है एक बहुत ही मतलब एक वर्ड बोल देता है मतलब एक सेंटेंस बोलता है आउट ऑफ अ पोवर्टी एंड डेथ तो मुझे अगर पोवर्टी और डेथ में से कुछ चुनना में चुनने को मिले तो मैं डेथ को चूज़ करूँगा क्योंकि डेथ जो है एक शॉर्ट लिफ्ट पेन है लाइक थोड़ी देर के लिए पेन होगा उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाएगा वाइल पोवर्टी इज़ अन एंडिंग मिजरी सो ये एक अन एंडिंग मतलब ना ख़त्म होने वाला एक कष्ट है जो ख़त्म ही नहीं होता सो so, ये चीज़ उन्होंने कहा है

सॉरी अलॉग रिलीजियस एंड मॉरल मॉरल लाइन्स सो यहाँ पर जो एंशियन पीरियड के हम लोग देखें तो जो भी इशूज़ वगैरह है जो भी ट्रीटमेंट वगैरह रिलीजियस और मॉरल लाइन से है द स्पीकर माइट हैव सजेस्टेड द इल्यूज़री नेचर ऑफ मटीरियल कम्फर्ट दैट डेनाइज वन सॉरीइज वन द फ्रीडम दैट कम्स फ्रॉम इंटरेस्ट इन द डिवाइन सो यहाँ पे uh, ऐसा कुछ कहते हैं लाइक like, जो रिलीजियस मॉडल्स वगैरह था वो तो हो गया उसके बाद स्पीकर माइट हैव सजेस्टेड द इल्यूजरी नेचर सो यहाँ पे जो स्पीकर है वो सजेस्ट करता है कि इल्यूजरी नेचर जो एक मटीरियल कम्फर्ट है लाइक like, एक ऑफ मटीरियल कम्फर्ट लाइक जो मटेरियल uh, कम्फर्ट है लाइक like, बहुत लगजोरियस um, टाइप का एंड द डे वन द फ्रीडम दैट कम्स फ्राम द इंटरेस्ट ऑफ द डिवाइन सो यहाँ पे लाइक जो इंटरेस्ट वगैरह है जो डिवाइन से है डिवाइन इन द सेंस दिव्य ऐसा बोल सकते हैं दिव्य सो so वगैरह वगैरह लाइक बता देते हैं लाइक इसको कि लाइक जो एलियूजरी चीज़ें हैं लाइक जो एलियूजन से बनी हुई हैं या फिर जो चीज़ें लाइक जो कंफर्ट है जो सिर्फ चीज़ों से सामान बहुत सारा भर के रखने से आता है जो भी कम्फर्ट वगैरह वो सारी चीज़ों से है हियर द टर्म्स आर ब्रॉडली सिक्यूलर

बिहेवियर को अलॉन्ग इन हिस्ट्री पूरे हिस्ट्री में कंसिडर द फॉलोइंग यहाँ पे चारों दिन तक के फिर से कुछ वर्ड्स हैं सो लॉस ऑफ मनी इज़ नॉट माई मेजरी सो लॉस ऑफ मनी जो है लाइक like, मेरे पास पैसे नहीं है वो मेरी मेजरी नहीं है um, या yeah, मिजरी नहीं है ऑब्जर्व uh, यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं कि लाइक like, uh, जिससे वो बात कर रहे होते हैं उनको कि व्हाट पेंट्स मी इज दैट गेस्ट अवॉइड कमिंग टू माई हाउस बिकॉज इट हैज़ लॉस्ड इट्स रिचेज एज द न्यूज फ्लाई ऑफ टू डिजर्ट वेन द थिक लाइन ऑफ रट ऑन द एलिफेंट चेक टोटली ड्राइज अप, सो यहाँ पे चारू दत्ता जो है यहाँ पे फिर से कुछ ऐसा बोलते हैं कि लाइक वो कहते हैं कि ऑब्जर्व करो कि लाइक मेरे लिए ना मेरे पास मैं मेरे, मेरे पास पैसे नहीं रहे अभी क्योंकि उनके चैरिटी का बहुत शौक था तो उसकी वजह से अभी वो गरीब हो गए पहले वो अमीर थे तो हुआ क्या कि लाइक जो लाइक उनके पास जो भी मनी वगैरह थी अब उनके पास नहीं रही तो ये उनके लिए मिजरी नहीं है ये उनके लिए मिजरी है कि लाइक जो भी गेस्ट वगैरह जो उनके घर में पहले जब उनके पास पैसा था तब वो आते थे पर अब वो आना बंद कर चुके हैं अब वो नहीं आते हैं क्योंकि क्या पता कि चारू दत्ता उनसे हेल्प मांग ले या फिर कुछ ऐसा हो जाए इसीलिए वो आते ही नहीं हैं यहाँ पर उनसे मिलने के लिए तो ये उनके लिए एक मिजरी है ये उनके लिए कष्ट वाली चीज़ है उसके बाद दैट मनी एग्जिस्ट इन अर्निंग हैप्पीनेस इज़ द सोशल ह्यूमन सेंस टेक्स द कंसर्न अवे फ्रॉम द अदर वर्ल्डली इज सो यहाँ पे जो भी लाइक एक अर्निंग मतलब मनी एग्जिस्ट इन द अर्निंग हैप्पीनेस सो मनी से हम लोग हैप्पीनेस को अर्न कर सकते हैं सोशल ह्यूमन सेंस टेक्स द कंसर्न अवे फ्रॉम द वर्ल्डली इजूड सो ये सारी चीज़ों की वजह से लाइक like, जो एक वर्ल्डली पर, वर्ल्ड है या yeah, मतलब मनी से हम लोग हैप्पीनेस खरीद सकते हैं इन इन कंसिकुवेंस द पर्सन इज़ क्लोजर टू द रियल बिजनेस ऑफ म्यूचुअल गिव एंड टेक सो यहाँ पे लाइक like, एक पर्सन जो क्लोज है लाइक uh, like, एक कंसिक्वेंस है द रियल बिजनेस ऑफ म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड एज़ वेल एज डे टू डे एक्सपीरियंसिसज सो चारू दत्ता इज़ अ मैन ऑफ वर्ल्ड एंड दैट हैज़ सीन अर्ली प्रोस्पेरिटी सो यहाँ पे चारू दत्ता एक ऐसा इंसान है जिसने अभी से वर्ल्ड की एक अर्ली प्रोस्पेरिटी देख ली है लाइक या सडनली हाउ एवर ही इन्श्योर्स लॉस बिटवीन लॉस लॉस इज बिकॉज ऑफ विच ही अपीयर्स बी वर्ल्डेड सो यहाँ पे जो उनकी जो ऐसे लॉस वगैरह हो गई थी ही हैज़ नॉट लॉस्ट फेथ इन द मटीरियल वर्ल्ड वेयर ही वॉज एक्टिव ऑल अलॉन्ग सो यहाँ पे जो एक मटीरियल वर्ल्ड में लाइक like, उन्होंने अभी तक अपने फेथ को खोया नहीं है उनके पास अभी भी है एंड uh, वो अभी भी एक्टिव है वेयर ही वॉज एक्टिव ऑल अलॉन्ग एट द मोमेंट वेन द प्ले ओपन्स ही इज सीरियसली एंगेज इन द स्ट्रगल ऑफ स्ट्रगल टू गेट बैक टू हिस्स प्रीवियस फ़ाइनेंशियल स्टेटस तो यहाँ पर लाइक like, जब प्ले स्टार्ट होता है तभी से हम लोगों को पता चल जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लाइक like, अपने सीरियस सीरियसली इंगेज है अपने जो स्ट्रगल वगैरह को ले कर लाइक like, उनके पास जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है वो वो अपने प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटस को वापस लाना चाहते हैं क्योंकि पहले वो अमीर थे ना तो वो उनको वापस चाहिए दिस इज़ दिस इज़

मैं इनग्जाइटी an से मतलब एनेग्जाइटी an फ़ील नहीं कर रहा हूँ मेरे को लाइक इस अकाउंट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लाइक जो लॉस ऑफ मेरे जो मेरे मेरे पास अभी कुछ नहीं है फिलहाल मेरे जो भी फॉर्चून वगैरह मैंने लूज़ कर दिए हैं लाइक जो भी मैं पहले अमीर था अभी नहीं हूँ पर पैसा तो ऐसी चीज़ है ना कि जो आता जाता रहता है एंड वो कभी है तो कभी नहीं है वो लक की बात है बट ये चीज़ मेरे को नहीं जला रही है ये चीज़ मेरे को जला रही है कि जो लोग हैं जो थाटलेस है और जो भी लाइक ये चीज़ों से अफेक्टेड है कि लाइक एक पर्सन जो है वो Uh, मतलब एक वेल्थ के सपोर्ट से जा चुका है उसने अपने एक वेल्थ के सपोर्ट को छोड़ चुका है उन उस पर्सन को लाइक like, उन पर्सन से दूरी बना रहे हैं मतलब उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं ना वो आते नहीं अभी उनके यहाँ तो इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अंड रूट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट मनी माइट इजीली स्किप अवे अ स्लिप अवे फ्रॉम वन ग्रिप ऑफ वन इज सफर sufficiently uh, careful and that is uh, loss of may result in the loss of friends तो यहाँ पर इसका कहना यही है कि लाइक अगर के पास पैसा है आपके पास ग्रिप है तो आपके पास फ्रेंड्स भी रहेंगे एंड जैसे ही आपका जो grip है वो चला गया तो ये जो केयरफुल रहना पड़ता है लाइक अगर आपके 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 पास पैसे नहीं है फॉर एनी रीज़न तो जो भी आपके पास लॉस वगैरह हो गया है ना तो आप, आप ना मतलब वो पैसे को तो आप लॉस करोगे ही साथ में आपके फ्रेंड्स भी चले जाएँगे कन्वर्सली uh, मनी एंड श्योर सपोर्ट फ्राम फ्रेंड्स डेट विल कीप द रिच पर्सन इन अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस यहाँ पे जो मनी जो है वो एक मतलब सपोर्ट होता है फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के द्वारा लाइक like, फ्रेंड्स जो होते हैं वो साथ में ही होते हैं ना तो एक इंसान को रिच बना देता है एंड सप्टिल सप्टिलिटी मतलब स्टेट ऑफ सप्टिलिटी एंड पीस तो ये सारी चीज़ें उनको मनी की वजह से मिलती है बिकॉज उनके पास उस टाइम पे फ्रेंड्स होते हैं दिस इज़ नॉट अम स्मॉल थिंग इन सोशल लाइफ सो ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है एक सोशल लाइफ में एट द सेम टाइम देशन और लॉस ऑफ मनी अफोर्ड्स विजडम फ्राम द नेचर ऑफ़ लाइफ ऑन द अर्थ सो यहाँ पे लाइक like, जो भी चीज़ है लाइक दो मनी और जो भी अफोर्ड वगैरह होता है लाइक विजडम मीन्स बुद्धि द नेचर ऑफ द लाइफ ऑफ द अर्थ सो या चारूदूत्ता इज़ अ लर्न मैन सो चारूदूता जो होता है एक लर्न मैन होता है ही नोज़ हाउ टू फिलोसफीज एंड सी हिडन आइडियाज़ ऑफ सोशल इंडोर सो वो एक लर्न मैन है तो उसको पता है कि लाइक like, वो हिडन आइडियाज़ को या फिर सोशल इंडोर को कैसे देखना है दिस इज हाउ द विजडम इन इज़ हिंटेड एट द जनरल टर्म्स सो यहाँ पर चारों तरफ से बोलता है फ्रॉम पेनल पेनरी a person passes to shame being overcome by shame he lose his spirit uh, devoid of spirit he is slighted sorry slighted um being slighted he feels dejected uh, full of dejection he comes to be sorry being uh, being स्मिट एंड विथ सोरो ही इज फॉर सेकंड बाई रीज़न एंड डिस्ट्यूट ऑफ रीज़न ही पर्शेज सो ही पेरिश पेनील इज़ द अबाउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिस फॉर्च्यून सो यहाँ पे ये यह जो पूरा रीज़न बताता है कि इसकी वजह से ये हुआ इसकी वजह से ये हुआ इसकी वजह से ये हुआ ऐसा करके तो एट द एंड ऑफ द डे उनको पता चलता है कि जो पैनीलेस होना ही एक सॉर्ट ऑफ मिस फॉर्च्यून है सो मिस फॉर्च्यून मतलब uh, दुर्भाग्य

इेशनिलिटी एंड डिस्ट्रक्शन सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को लाइन बाई लाइन देखने को मिली है द लॉजिक्स सजेस्ट दैट देर आर कनेक्टेड दे आर कनेक्टेड द एंड दस और टू बी व्यूड एज बॉट टू नॉर्म्स ऑफ इन एवेटेबल ड्यूम सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं लाइक like, uh, जो भी है लाइक like, जो भी लॉजिक है या फिर जो भी कनेक्टेड सजेशंस है वगैरह वगैरह सो so, इज़ दैट ट्रू इन लाइफ सो क्या ये सारी चीज़ें जो भी मैंने अभी बताया वो क्या ट्रू है लाइफ में इफ़ वी पॉन्टर ओवर इट वी मे रियलाइज द पैरा सॉरी प्रेगमेटिक बिहेवियर गोज़ बाय लॉजिक सच एज दिस एंड इफ एंड इंडिविजुअल ऑब्जर्व दर्स ऑफ लाइफ ऑल्टरली ही शी विल श्योरली गेन फ्राम सच एन आइडिया सो यहाँ पर लाइक जो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग हम लोग अच्छे से व्यू देखें लाइक like, uh, या सो रियलाइज़ करेंगे कि जो एक प्रेगमेटिक uh, बिहेवियर uh, है एक लॉजिक के साथ अगर हम लोग देखें तो इंडिविजुअल ऑब्जर्व करता है लाइक like, एक लाइफ ऑल्टरली लाइफ को ऑल्टरली ऑब्जर्व करता है एंड ही ऑर शी विल बी श्योरली गेन फॉर सच एन आइडिया सो ही ऑर शी मतलब एक uh, मतलब पक्का ऐसा कोई आइडिया वो गेन करेंगे सो चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज थ्री सो कॉमेंट ऑन द इश्यू ऑफ वर्ड्स एंड प्रोस एंड मिर्च काटिका सो यहाँ पर हम लोगों को वर्ड्स एंड प्रोस ऑफ मिर्च काटिका बताना है कॉमेंट करना है उसमें वर्ड लिमिट के हिसाब से कर देना है यूज़वल मैं गर्ल आज में कि मेरे को इंपॉर्टेंट बता देना चाहिए तो सारी के सारे इंपॉर्टेंट है प्लस मैं ना लेटेस्ट समे में अच्छे से बता दूँगी कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वगैरह वगैरह सो वो हम लोग कल देखेंगे एंड वे भी बाद में देखेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा अगर, अगर अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर sure लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय